नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 सीरीज के बारे में। जी हाँ, T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया और ये आखिरी मुकाबला भी वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किया। जी हाँ, यानी कि सीरीज पर 4-1 से पकड़ जो है वो वेस्ट इंडीज ने बना ली है और सीरीज भी अपने नाम वेस्ट इंडीज ने कर ली। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि जो आखिरी मुकाबला है वो बेहद रोमांचक रहा और इस मुकाबले में 200 रनों का जो टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया टीम को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर उतरी 200 रनों का टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम को अपनी नाक भी बचानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर असफल रही और ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी नाक नहीं बचा सकी और सीरीज 4-1 से ऑस्ट्रेलिया टीम हार गई। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 199 रन खड़े किए और उसका पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, 183 रन पर ढेर हो गई। वहीं दूसरी ओर बात इस पूरी सीरीज को लेकर करें तो इस सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, 26 साल के सूखे को वेस्टइंडीज की टीम ने खत्म किया है, यानी कि वेस्टइंडीज की टीम पिछले 26 सालों से ऑस्ट्रेलिया टीम से एक भी सीरीज नहीं जीती थी। जी हाँ, इस सीरीज के साथ ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज की टीम ने दिखा दिया है कि वेस्टइंडीज की टीम अब पहले वाली वेस्टइंडीज की टीम नहीं रही है। वेस्टइंडीज की टीम अब पूरे दमखम के साथ लड़ती है, जूझती है और जीत जो है वो मुंह से छीन लाती है। और ठीक ऐसा ही देखने को मिला आखिरी मुकाबले में भी, जो मुकाबला 16 रनों से जीत लिया वेस्टइंडीज ने और 4-1 से सीरीज अपने नाम की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी मैचों में, आगामी सीरीजों में किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस करारी हार का, करारी शिकस्त का बदला लेती है। लेकिन फिलहाल के लिए विजेता जो है वो वेस्टइंडीज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। धन्यवाद।